गूगल एडसेंस से एक मेल आया हुआ है मुझे, और उसमें लिखा है कि वहाँ से मेरी YouTube की पहली पेमेंट निकल चुकी है और इन 4-5 दिनों में कभी भी मेरे बैंक अकाउंट में पहुँच सकती है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? मैं विकी आचार्य आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं जी विकी आचार्य ब्लॉग्स। आज छुट्टी का दिन है, रेस्ट का दिन है दोस्तों। पूरा दिन आज घर में बैठेंगे, पूरा दिन धूप सेकेंगे। आज ठंडी ठंडी हवा चली हुई है और देखेंगे क्या क्या करना है। हल्का फुल्का काम होगा अभी घर में तो करेंगे, वरना सो के रहेंगे आज पूरा दिन। मैंने सोच के रखे आज पूरा दिन रेस्ट करेंगे। केरा पूजा पाठ केरा जी बस बस यहीं वाला पेड़ देखिए दोस्तों, क्या बढ़िया खिला हुआ है आजकल। जबरदस्त फूल लगे हैं इसमें। आसपास जो भी पेड़ है आजकल खिले हुए नजर आ रहे हैं। वाओ, और ये दोनों टाने देखो घूमे जा रहे हैं। अब दोस्तों शाम को भी उतनी ज़्यादा ठंड नहीं हो रही है आजकल। अभी देखिए धूप है नहीं और हम लोग बैठे हैं बाहर छत पे। हम लोग यानी मैं फिर से इज्जत दे रहा हूँ खुद को ज़्यादा ही। मैं छत पे बैठा हूँ काफ़ी आराम से, सिर्फ एक अपर लगाई हूँ मैंने पुरानी सी, और इसके अंदर टी शर्ट है एक, और पैरों में कोई जुराबे नहीं, कोई सॉक्स नहीं, कुछ भी नहीं है। यानी उतनी ठंड अब नहीं रही। और ये देखिए हमारे सौ में काफ़ी सारे लोग हैं, कई बिना जैकेट स्वेटर्स के भी हैं, टूरिस्ट हैं ज़्यादातर। अच्छा यहाँ पर भी है। दोस्तों हम बात कर रहे थे जी स्प्रिंग सीजन के, जो ये ब्लूमिंग सीजन होता है, सारे जो पेड़ होते हैं आजकल खिल जाते हैं और शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। अभी कुछ दिनों में और ज़्यादा अच्छा अच्छा दिखने लगेगा, क्योंकि अभी सेब के पौधे हैं उनमें सिर्फ पत्ते आने शुरू हुए हैं। सेब के पौधे में ऐसे होते हैं, सबसे पहले पत्ते आते हैं और बाद में फूल लगते हैं। लेकिन जो खुरमानी हमारे यहाँ पर खुरमानियाँ होती है, और क्या होता है, तो क्या हुआ यारा देखो ना मुझे, इसके चक्कर में नीचे आना पड़ा मुझे। ये अकेली घूम रही है बाहर। ये गुन्नू को आवाज़ दे रही है क्योंकि ये चले गए हैं खेलने, और ईवू को देखो यहाँ पर छोड़ के चले गए हैं। ईवू बेचारी सोच रही है और सोच और दोस्तों एक और खुशखबरी की बात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। क्या होता है, काफ़ी खुशी हो रही है ये बात सुनाते हुए। एक गूगल एडसेंस से एक मेल आया हुआ है मुझे, और उसमें लिखा है कि वहाँ से मेरी YouTube की पहली पेमेंट निकल चुकी है और इन 4-5 दिनों में कभी भी मेरे बैंक अकाउंट में पहुँच सकती है। मेल वैसे मुझे लगता है परसों आया था, चेक ही नहीं किया था मैंने। आज जाके चेक किया अभी जाके, और अभी तक तो फिलहाल कोई मैसेज आया नहीं बैंक से, लेकिन हो सकता है डिले भी हो जाए कुछ, क्योंकि पहली जो पेमेंट होती है जब भी आती है तो उसमें कई बार कई कुछ हो जाता है, प्रॉब्लम्स हो जाती है। वैसे जो भी फॉर्मेलिटी होती है बैंक की तरफ से या एडसेंस किसी की भी, सारी मैंने सही ढंग से मैंने फिल कर दी थी, सारे फॉर्म जो होते हैं सारे फिल कर दिए थे मैंने। लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ डिले हो जाए, क्योंकि
ज़्यादातर यूट्यूबर्स जो मैंने हाल फिलहाल में वीडियो देख रहा था मैं इस बारे में, तो वो कह रहे थे कि पहली पेमेंट में हो सकता है डिले, हो सकता है कुछ एक, लेकिन उसके बाद जैसे ही पहली पेमेंट आ जाती है फिर इनका जो ट्रांसफ़र का जो रूट होता है वो साफ हो जाता है, जिससे पेमेंट जो भी आनी होगी सही ढंग से आ जाती है। लेकिन पहली पेमेंट मुझे लगता है थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि अब आज तीसरा दिन चल पड़ा है मेल आकर भी, और अभी कोई मैसेज नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई भी, लेकिन फिर भी जैसे ही कुछ भी होता है मेरे बैंक अकाउंट से कोई भी आवाज़ आती है समझ सकते हैं आप, तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा और आपको बताऊँगा। फिलहाल इंतज़ार ही कर सकते हैं और अपनी छत के ऊपर से इंतज़ार करते हैं। देखिए क्या हो गया मौसम को, अच्छा ये गड़बड़ हो गई थी थोड़ी, इस बाल्टी में तुलसी लगती है दोस्तों। जो भी तुलसी हम लगाते हैं वो सदाबहार नहीं होती, यानी कि हमारा जो देश है, हमारा इलाका है बर्फ वाला है, जैसे ही इस पर बर्फ़ गिरती है तो वो ख़त्म हो जाती है जो तुलसी है, फिर नई तरफ से खुद ब खुद यहाँ से तुलसी निकलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ बीज गिरे होते हैं पहले ही इस बाल्टी में बहुत सारे, तो निकल आएगी जैसे ही उसको ठीक वातावरण पानी वगैरह सब टाइम हो जाएगा निकल आएंगे। बाकी सारे के सारे आजकल फूल ज़्यादातर है वो मुरझाए होते हैं। मेरे पास एक बड़ा सा टब है कहा ये वाला, मैं सोच रहा हूँ इसको भी, मिट्टी तो काफ़ी है यहाँ पर, देखिए मिट्टी नहीं है ये है जी रेत बजरी और बहुत कुछ है, ये भर के रखते हैं इसमें, इसमें भी लग जाते हैं। बाकी हो सके तो दो चार गमले मेरे पास टूट रहे हैं उनकी मिट्टी भी डाल दूँगा मैं, ठीक हो जाएगा। ये देखिए हमारी सौ बड़े बड़े इन टिपरों के लिए नहीं बनी है वैसे तो, क्योंकि सौ हमारी काफ़ी छोटी है, कंजस्टेड थोड़ी तंग सी है, और अगर ऐसी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं तो मुश्किल हो जाता है। हाँ छोटी छोटी गाड़ियाँ मुड़ जाती हैं काफ़ी आराम से, बड़ी गाड़ियों के लिए दिक्कत हो जाती है थोड़ी।